चलो जी, एक और धांसु क्वेश्चन देखो। क्या कह रहे हैं कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ कोन ऑफ अ हाइट एच, मतलब एक कोन गिवन है, कोन गिवन है मतलब उसकी रेडियस और हाइट कांस्टेंट है, उनके अंदर एक सपोज मैं कोन बनाता हूँ, एक कोन ये रे भैया, ये कोन है, इस कोन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर। कह रहे हैं कोई एक सिलेंडर तो ऐसा होगा ना जिसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो उसको जब सॉल्व करोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे तो ये निकल के आएगा, और एल्फा क्या है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल है। फिर से समझो, इस कोन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर बन सकते हैं। जैसे मैं रफली अगर आपको बताऊं कि ये कोन है, इस कोन के अंदर एक सिलेंडर ये बन गया भैया, एक सिलेंडर ये बन गया, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर बन सकते हैं। हमको पता लगाना है कि किसी एक का तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा ना, जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है उसका वॉल्यूम ये निकल के आएगा, ये हमको प्रूफ करना है ये, ठीक है जी। तो चलो जी देखते हैं। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब क्या होगा, सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है, वर्टिकल मतलब सीधा, जो लाइन सीधी आती है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसीलिए सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, सेमी मतलब हाफ। तो ये रहा सेमी वर्टिकल एंगल हमारे पास, ये अल्फा, ये दिया गया अल्फा। अब इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि ये रहा वो सिलेंडर जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, लेट कर लेता हूँ, ये रहा भैया, मान लो ये रहा वो सिलेंडर, ये रहा ये सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम क्या है जी, मैक्सिमम है। तो चलो, अच्छा जो कोन है इसकी जो हाइट गिवन है भाई साहब, वो स्मॉल एच गिवन है, ठीक है, इस पूरे की जो हाइट है वो क्या है, और बड़े वाले सिलेंडर की जो मैं सॉरी कोन की जो मैं रेडियस लेता हूँ वो स्मॉल आर लेता हूँ। अब आती बात सिलेंडर की, इसकी हाइट में कैपिटल एच लेता हूँ, उसकी रेडियस कैपिटल आर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो मुझे मैक्सिमम ये दिखाना है, तो चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, कैपिटल आर और कैपिटल एच दोनों ही वेरिएबल है, क्योंकि ये चेंज होंगे जैसे जैसे सिलेंडर का साइज घटेगा बढ़ेगा, आर और एच में फर्क पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में करें, तो ये बड़ी समस्या है। तो अब भैया एच और आर में एक रिलेशन निकालते हैं, तो ये बन जाएगा क्लास टेंथ का क्वेश्चन। अब ये हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी में, सर ए और इसका नाम दे दो भैया बी और सी और ये डी और ये ई और ये एफ और ये जी, ऐसे हमने नामकरण इसके कर दिया, ठीक है। अब कैसे बन जाएगा, तो देखो जरा, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल बड़ा वाला एडीई, इन दोनों को सिमिलर दिखा सकते, किया हम लोग एनसीईआरटी में, ऐसा एबीसी और एडीई आपस में क्या है, सिमिलर। कैसे पता, तो देखो एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन, और ये सेमी वर्टिकल है तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90, तो बी और डी आपस में क्या है जी 90, एंगल बी बराबर एंगल डी आपस में क्या है 90, तो ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई, और जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो चलो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, तो बस इसकी वैल्यू पुट करनी, उसको ए भी देखो ए बी ए बी, अब समझना ये पूरी एच है ये कैपिटल एच है, इतना क्या बचा एच माइनस एच, तो ये होगा एच माइनस कैपिटल एच अपॉन ए डी, वेयर इज ए डी, ए डी पूरी क्या है स्मॉल एच, पर स्मॉल एच का थोड़ा ध्यान रखना। बी सी बी सी सुनो, ये क्या हमने लिया कैपिटल आर अपॉन डी ई, डी क्या स्मॉल आर बराबर ए सी, ए सी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं, ए सी को मारो गोली छोड़ हमें तो इसी से काम चल जाएगा। अब यहाँ से जो एक बच्चे गलती करके आते, देखो हम लोग यहाँ से कैपिटल एच की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और कैपिटल आर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बताओ आकाश किसकी निकालो, कैपिटल एच की या कैपिटल आर की, सोच के बताओ, एच की निकालो, क्यों, आर की वैल्यू निकालो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कैपिटल एच की वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन क्या होगी जी सिंपल हो जाएगी। तो चलो यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे कैपिटल एच, अब समझना कैपिटल एच ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आर के टर्म्स में आ गए, तो हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं कैपिटल एच की वैल्यू, तो देखो कैसे होगी एच माइनस कैपिटल एच इसका मल्टीप्लाई एच आर अपॉन आर, और ये एच माइनस ये इधर आएगा एच, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग,
अपॉन आर इक्वल टू कैपिटल एच, ये निकल के आगे किसकी वैल्यू, कैपिटल एच की वैल्यू। ठीक है भैया, अब ये वैल्यू उठा के इस वाले में पुट कर दो वॉल्यूम में, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, और एच की वैल्यू क्या है, एच माइनस एच कैपिटल आर अपॉन आर। चलो जी मल्टीप्लाई करो अंदर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर क्यू एच अपॉन आर। चलो अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आर के रेस्पेक्ट, क्योंकि यह एच कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ये स्मॉल आर का पाई तो है ही कांस्टेंट, तो डी वी अपॉन डी आर। तो आर स्क्वायर का टू आर, तो टू पाई आर एच माइनस आर क्यू का थ्री पाई आर स्क्वायर एच अपॉन आर। आर तो कांस्टेंट है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलो जी अब डी वी अपॉन डी आर आ गया। अगला काम क्या होता था, किसके बराबर रखते थे, जीरो के, तो मैं डायरेक्ट रखा हूँ जीरो के इक्वल, तो टू पाई आर एच, ये उधर गया थ्री पाई आर स्क्वायर एच अपॉन आर। अब देखो क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई गया, एक एच से एक एच गया, एक आर से एक आर गया, अब क्या बचा, पहले लिख लो टू इधर बचा, थ्री इधर बचा, आर अपॉन आर। देखो हमने आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा टू आर अपॉन थ्री, तो ये आ गया आर की वैल्यू। अब हमको ये भी दिखाना है कि भैया ये मैक्सिमम होगा, तो उसका दोबारा डिफरेंस क्यों, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसका दोबारा करो, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, तो ये तो आर का वन हो गया, तो टू पाई एच हो गया माइनस सिक्स पाई आर एच अपॉन आर। अब सुनो यार, यहाँ पे आर की वैल्यू हम रखेंगे टू आर अपॉन थ्री। एक बात सुनो यार, यहाँ पे रख के देखो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी, यस और नो, तो ये पक्की बात आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो आर इज इक्वल टू टू आर अपॉन थ्री इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, हमको ये पता लग गया, तो कुछ नहीं करना भैया, अब हमको ये निकल के आया क्या आर, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम क्या दिखाना था, वॉल्यूम, तो एच की वैल्यू भी तो हम निकालेंगे, एच की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे आर की वैल्यू ये पुट कर दो, तो एच माइनस एच, आर की वैल्यू क्या है जी टू आर अपॉन थ्री, और नीचे कितना है जी आर, तो ये क्या हुआ इससे शहीद हो गया, तो इधर कितना था एच माइनस टू एच अपॉन थ्री, तो ये कितना आ गया एच अपॉन, तो कैपिटल एच की वैल्यू भी निकल के आ गई और कैपिटल आर की वैल्यू भी निकल, वो कुछ नहीं करना मैं यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ का खेला देखो, चलो आ जाओ भैया लेके ये आना है मैं, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, तो ये फोर आर स्क्वायर अपॉन नाइन, और एच की वैल्यू क्या है एच अपॉन थ्री, तो देखो भैया फोर पाई ट्वेंटी सेवन और आर स्क्वायर एच, यस और नो, लाना क्या था ये भी, अब देखो हमको लाना क्या टेन अल्फा, कुछ नहीं करना है, थोड़ी जगह ले लो पहले, यहाँ से लेते हैं, हाँ चलो अगर मैं आपसे बोलूँ कि टेन अल्फा की वैल्यू क्या, चलो यहाँ से निकालते हैं टेन अल्फा, तो टेन बराबर होता है पी अपॉन बी, तो अल्फा के साथ पी कितना है आर और बी कितना है जी एच, क्या हम लोग आर अपॉन एच की जगह टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं जी, हाँ अरे यार r अपॉन h की जगह tan अल्फा नहीं लिख सकते, अच्छा स्क्वायर बोला था मैंने, गलती पकड़ रहे बेटे बड़े हो गए, तो r अपॉन h की जगह tan अल्फा लिख सकते ना हम लोग। चलो अब यहाँ पे r स्क्वायर, तो हमने क्या किया h स्क्वायर से डिवाइड किया और h स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या कोई फर्क पड़ा, ये वैल्यू किसकी होगी tan स्क्वायर अल्फा की, h क्यूब आ गया आंसर, तो बस, तो ये हमारा फोर पाई ट्वेंटी सेवन एच क्यूब, और ये क्या हो गया tan स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, टेन अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाल दी। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल आर निकाल दो, बहुत लेंथी जाता आप फंस जाते ये, आर डी शर्मा में है ना, तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कैपिटल आर की वैल्यू निकाल दी, बड़ा लेंथी हुआ है, तो स्मॉल एच निकालो। ठीक है, चलो देख लो कहाँ पर आकर